हरियाणा में चुनावी विषाद बीत चुकी है और हम 90 की 90 सीटों पर आपको लोगों की क्या नब्ज है, लोग क्या चाहते हैं वो बता रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं सोहना विधानसभा में, वहां से तेजपाल तंवर मौजूदा विधायक और सोहना के मुख्य इलाके में इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ इलाके के कई लोग यहां पर मौजूद हैं, चर्चा करेंगे क्या समस्याएँ हैं, क्या ये लोग सरकार से चाहते हैं और आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर हवा लगती है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल? ठीक है जी। क्या लगता है सोहना के इलाके का, क्या चुनावों से क्या मांग है, क्या चाहता है सोहना? सर सोहना की ये मांग है, जो पेंडिंग में जो काम रह गए थे, जो काम नहीं हो पाए वो काम होने चाहिए। बाकी आप हालात देख ही रहे हैं, क्या काम रह गया सोहना में? बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग में है, हॉस्पिटल का है, रोड का है, और जैसे बाजार में जो पानी भर जाता है, ये ऐसी घनी बात चीज़ें हैं जो हमें चाहिए सोहना से अंदर। क्या समस्या है, क्योंकि बोले पानी भर जाता है, तमाम चीज़ें क्या है? चीज़ें ठीक अब ये जो है सरकार मोदी की है ऊपर, सुनो, अब मोदी जो है बढ़िया बढ़िया MLA इनको लाता है यहाँ पर, भाई आप चुन के आओ और विकास करो शहर का, यहाँ चुन के चले जाते हैं, मौज लेते हैं। सड़कें कैसी हैं, बिजली पानी? तो आप शहर में घूम के देखो, फुहारा चौक देखो जाके, सोहना का जो मशहूर फुहारा चौक है उसको कम से कम भी 2-4 महीना हो गए, ऐसा ही है सचिन, 2-4 महीने हो गए उसमें पब्लिक। सोहना का वो फुहारा चौक एक मशहूर चौक है, उसमें जो है अब भी काम नहीं हो रहा है, अधूरा। अच्छा आप बताइए भाई साहब, सरकार तो कह रही है बिना पर्ची खर्ची काम हो रहा है, 10 साल से हमने कुछ नहीं किया, क्या लगता है आप भी जाते होंगे सरकारी दफ्तरों में? देखो जी 10 मिनट देना, 5 साल ऐसे ना, 1-2 मिनट हट के ऐसा आगे चले जाए ऐसा ना। ये है जो सरकार ने चुने हैं ना, जो पिछले जो रहे उनने कोई भी काम नहीं किया किसी प्रकार का, इतने इतने नलियों गालियां नालियां भरी रहती हैं पानी से, वो सीवर है, इतने इतने सीवर है, सारा फुल भरे रहता है, सड़कें सारी गलियां सारी टूटी पड़ी है, कोई किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की, कोई कुछ नहीं है। बिजली है 8-8 घंटा, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा कट जा, कोई मतलब ना, बहुत बुरा हाल है। अच्छा एक बरसात हुई, पानी वानी भरा, सरकार ने कहा कि मुआवजा देंगे किसानों को, देंगे चेक बंटे? देखो जी कुछ नहीं दे सर, कुछ ना दिया, बाकी कह रहे हैं कागजों में, कह रहे हैं ये कर रहे, लेकिन देना लेना कुछ नहीं है, बुरा हाल है। आप मैं दिखाऊं, आप भी नो कह गए यार, कैसे रह रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जमीन पे कुछ नहीं हो रहा, ना कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई विकास ना है, कोई नहीं है जी। हाँ ये है भाई, सरकार कर रही है, लेकिन जो विधायक हैं, विधायक है ऊपर से आ रहा है नीचे नहीं, मतलब ही नहीं है जी, कैसे भी कोई सुनवाई करके राजी नहीं है। बिजली के जाए अब तो सब बात कहेंगे, या भी कर देंगे या भी कर देंगे, कहने जाए कोई सुनवाई नहीं, 8 घंटा 10 घंटा। इलेक्शन अब तो हो ही गया सब कुछ, आने वाले हैं 2-3 दिनों में आएंगे सब लोग, तो उनसे क्या मांग करोगे यहाँ पहुँच? मैं जाता हूँ कि अभी मैंने सुबह फोन किया था बिजली वालों को, अभी तक कोई बिजली नहीं आ रही है, मैं ड्यूटी भी नहीं जा पाया हूँ, हाँ पानी और इसके लिए बहुत दिक्कत आ रही है, अभी फोन 2-3 बार कर चुका हूँ, ना कुछ ना ही ना फोन उठा रहे हैं जी। सरकार सुनती है? सरकार ने सुनती नहीं है, बिजली विभाग वालों को भी फोन करते हैं और सबको फोन किया, सीवर है सारे भरे खड़े हैं, कोई किसी प्रकार का नहीं है, गली है वो भरी फड़ी है पानी से, घरों में पानी घुस रहा है, बताओ और या से ज्यादा क्या होगा? आप लोग तो सुरक्षित रह रहे हो, आप तो अब रह रहे हो शहरों में, हम तो यहाँ पड़े ना, गाँव से ही है, हम भी गाँव से ही नहीं, आपका गाँव भी बहुत अच्छा होगा लेकिन शहर है, यू नाम का शहर है, वैसा कुछ नहीं है, नाम का शहर। बाकी कुछ युवा मेरे साथ खड़े हैं भाई साहब, जी बताइए, सरकार कह रही है कि बहुत हमने रोजगार दे दिए हैं, हर गांव से सरकारी नौकरी दी, आपके गांव का क्या हाल है, मिली है सरकारी नौकरी? देखो यहाँ पे हम तो कह रहे वैसे गांव के तो नहीं, शहर के बंदे हैं, ठीक है, यहाँ पे रोजगार इतना ज़्यादा तो है नहीं, रोजगार है बाकी ये नहीं कह सकते कि सबको सरकारी नौकरियाँ हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा युवा बेरोजगार डोल रहे हैं। एक स्कीम पहले शुरू हुई थी, हालांकि हाईकोर्ट स्टे लगे, कि 75% आरक्षण हरियाणा के युवकों को होगा, उसका कुछ फ़ायदा मिला था युवकों को? हम अपने आसपास जिस हिसाब से देख रहे हैं उसी उसके अकॉर्डिंग कुछ ही परसेंट युवकों को मिल रहा है, बाकी तो देखो नहीं हो पा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बंदे को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बहुत बंदे अगर ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। जो आप चाह रहे हो कि जैसे कि खबर भी चल रही कि एक सफाई कर्मी के लिए PGT BA लाखों फॉर्म भरे, BSC वाले जाते 20,000 सीटें निकलती है उसमें फॉर्म भरे जा रहे 20-20 लाख, तो वो है कि अभी प्रॉपर तरीके से वो हो नहीं पा रहा, जो पढ़ाई के हिसाब से सम्मान नहीं मिल रहा। हाँ अब
अग्निवीर जो स्कीम आई थी उसको कैसे देख रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है? ठीक है, उसमें हर एक बंदे को मौका मिल रहा है, जो टैलेंटेड है उनको आगे 5-4 साल के बाद आगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें और भी जो जॉब्स हैं वो मिल रही हैं उनको, जो अपने लेवल पे है मतलब वो कुछ कर सकता है आगे, तो उनको आगे मिलेगी जॉब। ये सबने आप परेशानियां बताई, किसने का सिविल खराब है, किसने का चीजें हैं, तो लेकिन 10 साल में कुछ बदलाव हुआ है या जैसे पहले चीजें थी वैसे ही रही? इसलिए ज्यादा कोई बदलाव तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ है। सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है, कुछ कर्मचारियों की लापरवाही होती है, ऊपर के स्तर पर काम सही हो रहा है, लेकिन नीचे जो हैं, जो कार्यकर्ता, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी विभाग हैं, उनमें लापरवाही बरती जाए, तो जो भी सरकार आए, जो भी है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऊपर स्तर पर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा नीचे भी ध्यान दें कि जो छोटी छोटी लोगों की समस्याएँ हैं, हमको बिजली को, पानी को, छोटी छोटी चीज़ों को परेशान ना होना पड़े। बाकी सरकार से ज़्यादातर हम लोग संतुष्ट हैं, ऐसी कोई हमको परेशानी नहीं है। सबसे मैं एक छोटा छोटा सवाल यही पूछूंगा, इस बार चुनाव में क्या हवा है, क्या लगता है चलेगा? चलेगा, बीजेपी आ रही है। ठीक है जी, चलेगा भाई, चलेगा तो ऐसे कि क्योंकि मोदी सरकार के उससे वोट मिलेंगे, उसे मोदी के नाम से वोट। अब जो है वो जो जीतेगा काम करे या ना करे, अब हमें तो देनी है वोट। देखो जी, हम तो मोदी के हिसाब से चल रहे हैं, बाकी जो ये MLA है ना, जो वहाँ को कुछ नायब सैनी मनोहर लाल नायब सैनी ठीक है, ऊपर सही है, ये नीचे वाले शरारती है। 8 घंटा में रोड भर जाए, 8 घंटा के बाद सीधा। आपका क्या हुआ है? हमारा मकान डूबे पड़ा जी, सारा इतने तो उठा दिया हो, 1.5 फुट मकान में सारे में पानी भरा पड़ा हुआ है जी, पूरा घर में पानी जाता है जी अंदर तक, क्या करें जी? कहाँ दवाई छिड़का रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं छिड़की गई। हाँ, वायरल चल रहा है, ये मच्छरों की बीमारी चल रही है, बुखार का कोई मतलब नहीं, दवाई का किसी प्रकार का कैसी कोई नहीं। धन्यवाद। तो बेसिक जो मांगे हैं लोगों की, सड़क, पानी, बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, वही मांगे यहाँ पर रखी गई हैं। और सोहना विधानसभा की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, यहाँ पर सरकार के काम को सराह भी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो नीचे तक आना चाहिए, जो पैसा या विकास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। सोहना से कैमरामैन राजेश जोशी के साथ नितिन धीमान, MHP न्यूज़।